देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो इस देश को बांटने में लगी हुई है। धर्म के नाम पर बांटा इन्होंने, धर्म के नाम पर बांटना इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ तो अब ये जाति के नाम पर बांट रहे हैं। ये जो 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, ये बहुत ही बड़े एक लंबे प्रोसेस के बाद मंडल कमीशन ने चारों तरफ अध्ययन करने के बाद दिया था। अब ये इनका चूंकि जनाधार खिसक रहा है, इसलिए ये ओबीसी जातियां हैं उनमें भी बंटवारा करना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने यादव और कुर्मी को अलग किया है, बाकी अन्य जातियों को अलग किया है। ये चाहते हैं किसी तरह से ओबीसी बट जाएं और हमको वोट दे दें। ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे। अगर इनको हाँ यही करना है कि जातियों के आधार पर ही बांटना है, तो जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप सारी जातियों का आधार से जो लिंक कर दीजिए और जो जितने परसेंट उसकी पॉपुलेशन है उसको उतना परसेंट आरक्षण दे दीजिए, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो जो आरक्षण ओबीसीज के लिए एसटीसीज के लिए दिया हुआ है उसको आप बंटवारा करके सिर्फ जनता को बांटना और भरगलाना चाहते हैं। ओबीसी इस लिमिट में कभी नहीं आएंगे और इनको ऐसा सबक सिखा देंगे जैसा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन लोगों को सिखाया गया है। 2019 का इलेक्शन दूर नहीं है, इनको हम नीचे उतार के ला देंगे ये ओबीसी के सभी लोग मिलकर के। ये कदम वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे 1977 में उन्होंने इसको लागू किया था। उनका उद्देश्य ये था कि बड़ी मछली छोटी मछली का हिस्सा खा जाती है, ऐसे ही पिछड़े वर्ग में जो मजबूत और दमदार जातियां हैं वो छोटी छोटी कमजोर जातियां हैं, जैसे नाई, कुमार, कड़ेरी, दर्जी, भुज्जी, तेली, तमोली, इन जातियों का हिस्सा खा जाते हैं, इनको भागीदारी नहीं मिल पाती है। और जो मजबूत जातियां जैसे यादव हैं, कुर्मी हैं, गुजर हैं, जाट हैं, सुनार हैं, कलार हैं, ये लोग उनका हिस्सा खा जाते हैं। तो ये कदम हम लोग बहुत सालों से हमारा संगठन भी मांग करता रहा, हम लोग भी मांग करते रहे, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम, बरसते इसको सरकार लागू करे, क्योंकि ये चुनावी वादा है।